बॉयफ्रेंड को मरवा दो और खूब रुपया कमाओ। आज के डेट में प्यार रुपया है और माता पिता है। हरी समीर चौधरी, प्यार मोहब्बत, लड़का भाग गया, लड़की भाग गई, जीजा भाग गया, साली भाग गया, बाबा आ गए, बुबू आ गए, पता नहीं क्या क्या हो गया। एजुकेशन पे कहानी बात करते हैं, हॉस्पिटैलिटी पे कहानी बात कर रहा है कि समीर चौधरी शादी शुदा है, उसके बाद भी एक दो लड़की को घुमाते फिराते हैं। है मर्द तू, हमारे घर में आग लगा दे। नहीं नहीं, सुने अभी मैं भारत के सबसे अजूबे राज्य में हूँ जिसका नाम बिहार है। अजूबा राज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आए दिन रोज कुछ ना कुछ वायरल वाले मुद्दे हो जाते हैं और उस मुद्दे पर बयानबाजी होना शुरू हो जाता है। एक्टर समीर चौधरी जी, नाम में एक्टर लगाते हैं लेकिन ये एक्टर कम और पॉलिटिशियन वाला काम ज्यादा करते हैं। हर बात पे दबा के बोलते हैं, रेलने का काम करते हैं। दादा स्वागत है और जोहार आपका। आपके भी भोकाल चैनल के सभी दर्शक के नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अच्छा दादा, ये बताइए कि हम लोग भारत के सबसे अजूबे राज्य में हैं और आप इस अजूबे राज्य का सबसे अजूबा आदमी हमको लगते हैं, क्योंकि कोई भी मुद्दा होता है ना आप फटाक से बोलने लगते हैं, काहे बोलते हैं? नहीं, ऐसा होता है कि हम सबके धर धर के बुलाते हैं, फोन करते हैं कि आवा ना, हम बोल गए भैया, हम चलता फिरता है, दुकान ही हो, रोजगार ही है। हाँ, जो भी हमारे छोटे न्यूज वाले हैं या जो भी हमारे भाई लोग हैं, कम से कम हम बोले ये तो दाल रोटी चल जाए ना। तो दाल रोटी चलाने के लिए सब करते हैं भैया? हमारे चले थे तू भैया के, हमारे दाल रोटी जरूरी है, उसका दाल रोटी चलाए ना बोल भाई। मैंने हमारा अधिकार है, हमारा ये अधिकार है कि हम बोलेंगे और वही बोलेंगे जहाँ सच की जरूरत है। आए दिन जो है प्यार मोहब्बत में किसी लड़के की जान चली जाती है, जीजा जो है साली को लेके भाग जाता है, ये तमाम तरह की खबरें आती है और उसपे भी आप बोलने लगते हैं। नहीं नहीं, ऐसा हम कहाँ, कौन ऐसे न्यूज में देख लेना बोलते हैं। अरे आरती छोटू वाला वो खुद सलाम करे आरती छोटू के कि आज के डेट में हीर रांझा का प्यार से ज्यादा अच्छा प्यार ये आरती छोटू, बाप मतारी पढ़ा लिखा रहा है तो आरती छोटू नहीं प्यार करेला। आरती छोटू का तो प्यार बहुत अच्छा है भैया, की बॉयफ्रेंड को मरवा दो और खूब रुपया कमाओ। आज के डेट में प्यार रुपया है और माता पिता है। अभी किसी लड़की को प्यार करके मरवाए हैं क्या? ऐसा हम किसी से कभी प्यारे नहीं, तो ऐसा चीज को काहे बढ़ावा दे रहे हैं? बढ़ावा देंगे क्योंकि हम उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं कि प्यार है ये शर्ट, अगर ये खोल के रख दिए तो नई गर्लफ्रेंड बन गई, अगर ये शर्ट खोल के रख दिए तो नया बॉयफ्रेंड बन गया। ऐसा होता है क्या? बस किसी को प्यार बोलते हैं, प्यार करना है ना तो अपने माता पिता से करो, अपने धर्म से करो, अपने कर्म से करो, अपने आप से प्यार करो कि उस कामयाबी। सुनने में आया है कि समीर चौधरी शादी शुदा है, उसके बाद भी एक दो लड़की को घुमाते फिराते हैं। है मर्द तू, हमारे घर में आग लगा दे। नहीं नहीं, सुने है? ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन सुना दिया आपको? सूत्रों से पता चला है। सूत्रा सूत्री के तो हम ऐसे गुल बना के फेंक देते हैं, गुल बना के फेंक देते हैं। अच्छा समीर चौधरी का पॉलिटिक्स में आएंगे क्या, नेता उता बनेंगे क्या? क्योंकि जिस तरीके से आप बयानबाजी करते हैं उसको तो कैसे लगता है, बीच में आप एनसीपी का अथी भी पहन लिए थे, हमारा चोला भी। ऐसा कुछ नहीं है, जब अभिनेता नेता बन सकता है तो समीर चौधरी तो पहले से भैया अभिनेता हुआ है। नहीं तो बिल्कुल वही पूछ रहे, बनना चाहते कि नहीं बनना चाहते? नहीं, बनना। सबसे पसंदीदा नेता कौन है बिहार का? हमको सबसे पसंदीदा नेता कौन है बिहार का? हम नहीं मानते किसी को नहीं मानते, कोई तो होगा। हाँ, हम मानते हैं कि जो गरीबों की मदद करता है वो सबसे बड़का नेता। गरीबों का कौन मदद करता है? बहुत तरह का, हम नाम गिनती ना गिने भाई। पप्पू यादव कैसे नेता लगते हैं? नहीं नहीं, वो नेता थोड़ी है, वो तो बेटा है। किसका बेटा है? अरे भैया वो समाज के बेटा है यार, अपना नेता थोड़ी कह भी। देखिए ना, डर ऐसा नहीं है, पप्पू यादव से डर गए हैं आप? तो मर्दे आपको ऐसे बतिया रहे हैं जैसे लग रहा है हाथ में गन लेके हमारा से बतिया रहे, डर गए? डर भाई काहे लगो, जो संविधान में लिखा है। आपको अच्छा नहीं लगता है? नहीं देखिए, लगने का उनका काम अच्छा आपको नहीं लगता? आपको मालूम है कि लगातार वो जा रहे हैं सरकारी अस्पताल में, लगातार रेड कर रहे हैं, डायरेक्ट एकदम इंफेक्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं लोगों की काम कैसा हो रहा है, डॉक्टर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। जहिया से मान लेंगे, जहिया से सरकारी हॉस्पिटल में सब नेता लोग अपन इलाज करावे लगेगा तहिया। इसके लिए आवाज कहां नहीं उठाते हैं आप? हरी समीर चौधरी, प्यार मोहब्बत, लड़का भाग गया, लड़की भाग गई, जीजा भाग गया, साली भाग गया, बाबा आ गए, बुबू आ गए, पता नहीं क्या क्या हो गया। एजुकेशन पे कहानी बात करते हैं, हॉस्पिटैलिटी पे कहानी बात करते हैं, सड़क पे कहानी बात करते हैं। मेरे आप बात कीजिएगा तब तक हम बात करेंगे। आप ये सब चीजें में सबको बुलाते हैं, आप कहिए जितना आपके पास इंटरव्यू लेने आता है एजुकेशन के बारे में। सबसे पहले तो सभी हम पत्रकार बंधु से पूछते हैं कि क्या मैंने आपको फोन करके बुलाया किसी को? नहीं, आप खुद मेरे पास आते हैं ना तो हाँ, आते तो स्वागत करते हैं ना तो हाँ, आपको चाहिए भैया आए, हम नेता रहा भी था ना, कॉन्फिडेंस रखवा। आप नेता से भी बड़का नेता है महाराज, नेता से भी बड़का नेता, सब जितना जो है डिजिटल मीडिया का पत्रकार है सब आप ही के पास आता, हम आपके पास आ गए भैया। प्यार है तब आप आ जाते हैं, और कोई बात नहीं, प्यार है तब ना आते हैं। आपको किससे प्यार है, एकदम खत्म करना? हमारा तो आपसे प्यार है भैया। हमारा से लड़की कौन है जिसे प्यार करते हैं? ऐसा कोई लड़की नहीं है, हमको पता चला है, बताइए। प्यार मोहब्बत पे भरोसा नहीं करता, कामयाबी पे भरोसा करता है, और हम सभी को यही कहना चाहते हैं कि प्यार करना है तो अपने कर्म से करो और ऐसा कामयाब बनो, क्योंकि ये जो शरीर मिला है ना, ये कुछ कर दिखाने के लिए मिला है, ऐसा नहीं कि चार वक्त। अच्छा, के लिए प्यार मोहब्बत। मोदी जी या राहुल गांधी? हैं, मोदी जी या राहुल गांधी?
मेरे को चुनना है। अरे भैया चुनना है तो इलेक्शन के समय वोट। अभी आपका बताइए ना, विचार बताइए। विचार नहीं ना हम आपके सामने बताएंगे अभी, नहीं बताइएगा। नीतीश जी या तेजस्वी जी? अभी कोई विचार नहीं देंगे, जब इलेक्शन में जब आएगा ना समय, जब वोटवा डाल के निकलेंगे तक नहीं पूछेगा तो पक्का बता। आप पॉलिटिक्स से जुड़े नहीं चाह के भी आप पॉलिटिक्स में जुड़ गए, घुस गए हैं। हमको तो लग रहा है कि टिकट लेने के लिए बयानबाजी करते हैं आप। अरे भैया के बात, अगर बनिया जीत जाएगी तो थोड़ा MLA जरूर बना। अरे ज्यादा बहुत ही मजेदार आदमी है समीर चौधरी जी। एक्चुअली अच्छी बात यह है कि बहुत ही खुल के आदमी बोलता है और खुल के बोलने वाले को हम पसंद करते हैं, क्योंकि हर बात का खुल के जवाब देते हैं। सबसे अच्छी बात यही लगती है। कैसा लगा रिपोर्ट कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार।